आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको ये एहसास होगा कि एक गरीब परिवार का दर्द क्या होता है। परिवार भूखा प्यासा तिल तिल कर अपने जीवन बिताने को है मजबूर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता अनुराग तिवारी का रुख करते हैं। अनुराग, जहां देश और प्रदेश में मोदी योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, अपने आप को गरीबों की सरकार बताती है, वहीं ऐसी तस्वीर आना क्या दर्शाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरकार जो है लाख दावे कर ले, गरीबों की बात करें, मुशहर तबके के लोगों के लिए जो है उनके जीवन को जो है सफल बनाने की बात करें, जो है उनका जीवन बेहतर हो, लेकिन ये सारे दावे कुशीनगर में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी का एक नज़ारा देखने को मिला है कुशीनगर जनपद के विशनपुरा बुजुर्ग ग्राम सभा में, जहाँ 10,000 की आबादी वाला गाँव है और इस गाँव में जो है एक ही मुशहर तबके के परिवार का जो एक परिवार रहता है, और वो परिवार किस तरह से जो है आवास के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत जो है उस व्यक्ति को जो है किस तरह से गुमराह किया गया और उसके पैसे को जो है बंदरबांट किया गया है। अनुराग, आखिर ये कौन लोग हैं जो सिस्टम पर तमाचा मारकर सरकार की योजनाओं को फेल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये सिस्टम पर जो तमाचा लगाने का काम जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरशाह हैं, जिनकी लगातार जो है अभी खबर इसके पहले आ रही है कि प्रधानों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं और मैं अपने अगर नज़रिए से कहूं तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरशाह जो है उनकी भी संपत्तियों की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी धनों के रख रखाव की जिम्मेवारी जो भी है वो सेक्रेटरी को दी जाती है, ब्लॉक संबंधी अधिकारियों को दी जाती है। अगर एक साल तक उसके आवास नहीं बने तो आखिरकार उसकी जाँच नहीं की गई? जी अनुराग, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लगता है प्रधानमंत्री जी की इस बात को कुशीनगर के अधिकारियों ने ज्यादा ही सीरियस लिया है, तभी तो भ्रष्ट अधिकारियों की भूख इतनी बड़ी कि एक गरीब की छत को ही निगल गए, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, यही सवाल है, गरीब अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को अमल कर रहा है और अब तक जो है उसकी जांच नहीं हुई है। एक साल पहले आवास मिला था और आवास की आज वास्तविक स्थिति, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग जब CMN न्यूज़ वहां पर पहुंच के जब किया है और वहां उसके हालात को देखा है, एक झोपड़ी में किस तरह से परिवार के 7 सदस्य जो है अपना गुजारा कर रहे हैं, तो अधिकारियों की इसमें बड़ी भूमिका रही है। अगर उन्होंने समय से जो है जाँच की होती, पैसे की जाँच, आवास की जाँच हुई रहती कि आखिरकार आवास में अब तक लिंटर क्यों नहीं लग पाया है, और जो परिवार मुसहर तबके के लोग हैं, इसके पहले कुशीनगर में लगातार मुसहर परिवार में रहस्यमयी बुखार के चलते 6 मौतें भी हो गई, उसके बाद भी जो है शासन प्रशासन नहीं जग रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कुशीनगर में। शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं इस पूरे मामले पर खड्डा SDM का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी ये मामला संज्ञान में आया है कि उसको आवास मिला हुआ है, लिंटर दीवारें बनी हैं लेकिन ऊपर छत नहीं पड़ा है, और 7 परिवार रहते हैं और किन परिस्थितियों में नहीं हुआ, मैं BDO से एक आख्या मांग रहा हूँ कि उनको पैसा दोनों किस्त मिल गया है कि नहीं मिला है, नहीं मिला तो किन कारणों से नहीं मिला है, या उसमें कोई अन्य बात है जिसके कारण वो नहीं हो पूरा पा रहा, फिर उसके बाद जैसा रिपोर्ट में आएगा मैं कार्रवाई करूँगा।